की रात्रि को खीर बनाने का बहुत विधान बताया गया है। खीर बनाकर चंद्रमा के चांद में रखने से चंद्रमा की जो रोशनी है उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि खीर में उसका समावेश हो जाता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट्स की। आयुर्वेद में शरद पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है। क्यों है ये महत्व? देखिए, आयुर्वेद में एक चीज बहुत खास कही जाती है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आप जो भी मेडिसिन खाते हैं, आयुर्वेद की आपने कोई मेडिसिन बनानी हो, जड़ी बूटियों से कोई दवाई आपने बनानी हो, तो चंद्रमा की रोशनी में आप बनाएं, या पूर्णिमा के दिन बनाकर रात को चंद्रमा की रोशनी में रखें, फिर उसका सेवन करना आप शुरू करें। अचंभित करने वाले आपको प्रभाव इससे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चांद की इसी रोशनी से जुड़े कुछ ऐसे छोटे छोटे नुस्खे भी हैं, जिन्हें आप आजमा कर अपने शारीरिक कई ही प्रकार के किस्मों के रोगों से आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो जिस खीर के बनाने का विधान है, ये खीर खाने से पित्त से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं। एसिडिटी, स्किन रैशेस, पेट में जलन, इस प्रकार की बीमारियां जो कि दिखने में सिर्फ छोटी हैं, लेकिन ये बीमारियां ही बढ़ते बढ़ते जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो इनके लिए, ऐसी बीमारियों को काटने के लिए इस खीर से बेहतर और कोई भी औषधि नहीं है। आपको पता है, किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा की चांदनी में बैठना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है, शरद पूर्णिमा के चांद की किरणें त्वचा रोग ठीक करके जल्दी हीलिंग में मदद करती हैं। तो आपकी स्किन फिर वैसे की वैसे एकदम नई जैसी हो जाती है। अगर लगातार आप शरद पूर्णिमा की रात्रि से शुरू करके हर पूर्णिमा को ये क्रिया आप करें, तो आपकी स्किन प्रॉब्लम दूर हो सकती है। फिर इसके बाद आपकी आंखों में अगर लगातार बार बार कोई इन्फेक्शन हो रही है, शरद पूर्णिमा पर उसका भी इलाज हो सकता है। आंख का कोई भी इन्फेक्शन होने पर लगातार आप चंद्रमा को देखें, शरद पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा को, ऐसा आपको लगातार 5 से 10 मिनट करना है। 5 से 10 मिनट के बीच ही आपकी आंखों से धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों को ठंडक महसूस होगी, और यही जब चीजें होंगी तब धीरे धीरे करके आपकी आंखों के सब रोग समाप्त होने लगेंगे। फिर इसके बाद आयुर्वेद एक्सपर्ट्स ने शरद पूर्णिमा के चांद की रोशनी में मिश्री रखने के लिए बहुत बताया गया है। पूजा मिश्री हो, दूसरी मिश्री हो, उसे चंद्रमा की चांदनी में आप रख दीजिए। मिश्री से पित्त शांत होता है, मिश्री ठंडी होती है। शरद पूर्णिमा में चांद की रोशनी सोख कर मिश्री पित्त से जुड़े सभी रोगों के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि का काम करती है। इसके अलावा यूरिन में इन्फेक्शन हो तो इसी मिश्री और साथ में धनिया दोनों को चंद्रमा की चांदनी में रख दीजिए। दोनों को समान मात्रा में मिलाकर पीस लीजिए और डेली रोज इसे खाना शुरू कर दीजिए। खाली पेट पानी के साथ 1 चम्मच आप लेना शुरू कर दीजिए। इससे छाती में जलन, घबराहट, उल्टी आने पर शरद पूर्णिमा के दिन रखी हुई ये मिश्री आपके लिए बेहतर औषधि का काम करेगी। तो इस प्रकार से शरद पूर्णिमा की रात्रि बनाई गई कोई भी दवाई आपने बना रखी है, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, सभी मेडिसिन को चंद्रमा की चांदनी जरूर दिखाएं। कम से कम 2-3 घंटे के लिए पूरी रात्रि आप रख सकें तो बहुत अच्छा है, और स्वयं भी बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। इससे एक तो शारीरिक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और दूसरी बात, आपके शरीर में जितने भी रोग हैं उनसे लड़ने की आपको शक्ति मिलती है, और धीरे धीरे करके आपके रोग समाप्त होने लगते हैं। जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो दवाइयाँ जब चंद्रमा की रोशनी में एक बार रख कर आप सेवन करने लगेंगे तो वो बहुत जल्दी असर करने लगेंगे। इसलिए जो भी आप दवाइयाँ लें, आज की रात्रि साल में एक बार आती है, तो इसका आप बेनिफिट जरूर ले लीजिए। रात्रि जागरण भी होगा, और जागरण में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, भगवान शिव की कृपा मिलेगी,
माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करेंगे, धन की प्राप्ति होगी। और दवाइयों की आप स्कैनिंग कराएंगे चंद्रमा से, तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से एक साथ में आपको कितने ही लाभ मिल रहे हैं, तो आपको आज की रात्रि सोने को छोड़ करके ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, खीर जब बनाए खुले बर्तन में रखे ताकि चांद की रोशनी पूरी तरह से खीर पर पड़ती रहे। तो इस प्रकार से आज की रात ये काम जरूर कर लीजिएगा। अगर आप रोग आदि व्याधि से मुक्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, सारे सुख सौभाग्य चाहते हैं, तो आज की रात को बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी इच्छाओं की, आपके मनोरथ की। आपकी हर वो विश जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि कब हम उस चीज के लिए तैयार हैं। जब हम कोई मनोकामना पूर्ति के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, तब भगवान पहले हमारी परीक्षा लेते हैं कि क्या वो सक्षम है इस वस्तु के लिए। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को सक्षम बनाते रहने के लिए देवी देवताओं का पूजन, मंत्र जाप अवश्य करते रहना चाहिए। और इस तरह के मुहूर्त, इस तरह के शुभ दिन जब आते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि अफर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस रात्रि जब 16 कलाएं अमृत बरसाती हैं और चंद्रमा की रोशनी हमारे पूरे शरीर पर अंतर आत्मा तक पहुंच जाती हैं, तो ऐसे में क्या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। जो भी आप चाहते हैं, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपकी ये चीज पूरी हो जानी चाहिए, इस तरह से आप अफर्मेशन करेंगे। आज की रात्रि चंद्रमा को देखते हुए, एक टक देखते हुए आप कोई भी अफर्मेशन करेंगे तो वो आपकी जरूर पूरी होगी। अब अपनी अफर्मेशन को, अपने मैनिफेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करना है आपको, चंद्रमा की रोशनी में बैठें, चंद्रमा को एक टक देखें, एक टक देखें, और केवल मन ही मन सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मैनिफेस्ट करें। बार बार बोले एक ही आपकी विश, एक बोले या 10 बोले, जो भी विशेष बोले पास्ट टेंस में बोले, या फिर मुझे ये चाहिए, मेरा कर्ज उतर चुका है, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए, मुझे मेरा मन पसंद जीवन साथी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने अफर्मेशन रखें, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। अगर आपको धन चाहिए तो मैं मनी मैग्नेट हूँ, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम स्ट्रांग। अगर आप बहुत कमजोर हैं, आपको किसी भी प्रकार के फैसले लेने में दिक्कत आती है, तो आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्रेव। इस प्रकार से मैनिफेस्ट करें। जो भी आप अफर्मेशन करेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज जरूर आपको एक महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएगा। जो चीज आप चाहते हैं वो आपके हाथों में होगी। तो ये रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, माँ लक्ष्मी की ये रात्रि है, घर घर माँ जाती है, रास लीला की ये रात्रि है, भगवान श्री कृष्ण की ये रात्रि है। और ऐसे में जब देवी देवता हमारे घरों में विचरण करते हैं, और ऐसे में आप अगर कुछ मांग लेते हैं, तो भगवान के कानों तक वो चीजें पहुंचती ही पहुंचती हैं। तो आज की रात्रि को यूं ही बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। इसी प्रकार से आप अपने मन में करते हुए कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर लिखें कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो रही है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जरूर लिखिएगा, ताकि जितनी भी बार आपका कमेंट पढ़ा जाए उतनी ही बार मैनिफेस्ट होगा। तो जब जब कोई कमेंट पढ़ेगा जिस मंशा से, आपको नहीं पता कि उसकी मंशा क्या है, लेकिन मैनिफेस्ट हो रहा है, तो जितनी बार होगी उतनी ही वो ज्यादा पावरफुल होकर ब्रह्मांड तक जाएगी, और आपकी विश और भी सॉलिड हो जाएगी और पूरी होने में बिल्कुल सक्षम हो जाएगी। तो चलिए, आज की बहुत ही बेहतर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इतनी ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप ये जानकारियाँ जब भी प्राप्त करें, इन्हें आगे जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपनों को भी इनसे भरपूर लाभ मिले। क्योंकि गुण और ज्ञान
जितना भी बढ़ाया जाए, जितना भी शेयर किया जाए, उतना ही बेहतर है। इससे लोगों का भला होता है। अगर उनका भला होगा, आशीर्वाद आपको ही मिलेगा और उसी से आपके जीवन में नई मधुरता, नया जीवन आपको मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।